हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होने चाहिए। आज बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामना सभी को मेरी तरफ से, मिस्टर एके चैनल की तरफ से बहुत ही ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान खुश रखे, स्वस्थ रखे सभी को। आज मैं पटाखे लेने जा रहा हूँ गाइस, जिसमें एक छोटा वाला भाई मेरे साथ है, मौसी का लड़का, वो मेरे साथ जा रहा है। अरोहा अब हम मैं कपड़े उपड़े पहन करके निकल गए, तैयार हो चुका हूँ। अब मैं गाइस नीचे वाले जो हमारा कमरा है उसमें जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं, बाइक की चाबी उठा ली है गाइस, लेके अपनी स्प्लेंडर, वही हमारी सब कुछ है, उससे ही जाते हैं हम। और गाइस देखते हैं पटाखे किस रेट मिलते हैं, किस रेट नहीं। बच्चों की इच्छा है पटाखे छोड़ने की, तो इसलिए पटाखे लाने पड़ेंगे। और हर दिवाली में हक बनता है एक ना एक दफ़े पटाखे के लिए। चलिए गाइस चलते हैं अपनी स्प्लेंडर से। गाइस हम निकल चुके हैं, यहाँ से निकल रहे हैं घर से, दीपेश भाई साथ में है, अब चलते हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पटाखों की शॉप पर। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं बिजनौर, मदन लाल जी के यहाँ पटाखे लेने। चलते हैं अंदर, कैसे हैं पटाखे, किस रेट पर बिक रहे हैं पटाखे, चलते हैं देखने अंदर। चलते हैं गाइस, ये हमने बाइक यहाँ लगा दी है अपनी। गाइस ये हमने बाइक लगा दी है यहाँ पर, अब चलते हैं अंदर। हम एंट्री कर चुके हैं अंदर, कितनी बड़ी शॉप लगी हुई है, चारों तरफ पटाखे ही पटाखे। ख़त्म हो गया गाइस, इनके रेट देखना कितने रेट है, इतना हैवी रेट है। फाइनली गाइस हमने पटाखे ले चुके हैं, अब पटाखे 3-4 पन्नी में हो चुके हैं और अब हम यहाँ से चलने वाले हैं। अब जो चल रहा है बिल वगैरह वगैरह सब हो गया है, वो छोटा भाई हमारे साथ में है, अब हम चल रहे हैं यहाँ से। ले ले पटाखे एक जगह ले सब है अपने अपने चले। गाइस हम बीच में रुक चुके हैं और घर को जा रहे थे, तो थोड़ी प्यास लगी तो पानी नहीं मिल पाया था, कोल्ड ड्रिंक मिली तो हमने कोल्ड ड्रिंक से ही प्यास अपनी बुझानी शुरू कर दी यहाँ पर। और हम खड़े हैं रोड के किनारे, एक ये रोड गांव को जाता है, ये तो खैर नहीं मालूम कौन सा गांव है। और ये हम यहाँ पर खड़े हैं, छोटा भाई पीछे बैठा है, इसके हाथ पटाखे ले रखे हैं, ये देखिए ढेर सारे पटाखे हैं, काफ़ी सारे हैं। और इस टाइम हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, जिसमें कि हमें थम्सअप ली है, कुछ राहत मिली। काफ़ी गर्मी भी हो रही है, ज़्यादा ठंड आ रही है लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है। और गाइस चलते हैं फिर घर की तरफ। फाइनली गाइस अब हम घर आ चुके हैं और हम क्या क्या लेकर आए पटाखों में वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। वहाँ जो है काफ़ी भीड़ हो रही थी, इसलिए हम वहाँ आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि वहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और धूप भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम वहाँ आपको दिखा नहीं पाए। तो मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या क्या लेकर आए पटाखों में। वैसे घर काफ़ी बड़े पटाखे हैं, छोटे पटाखे ज़्यादा ही परेशान करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पटाखे कितने, देखिए गाइस ये है वो पटाखे, ये 50 शॉट रखा है, 50 साउंड जोड़ता है, ये स्काई शॉट है, रॉकेट है डबल साउंड वाला, ये बम वगैरह है, अनार्स वगैरह है, ये देखिए ये मुर्ख सब कोक के पटाखे हैं गाइस, ये भी स्काई शॉट है, फुल डड़ी वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे पटाखे हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम लगेगा इन्हें छोड़ने में। ये हर दीपावली को आते हैं ऐसे ही सब बच्चों के लिए, वो अपने एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ सस्ते मिलते हैं महंगे मिलते हैं। फ़िलहाल ये पटाखे 40,000 रुपये के हैं, क्योंकि हर एरिया का रेट अलग अलग होता है, कोई सस्ते बेचता है कोई कैसे बेचता है, तो इसलिए हमारे एरिया का रेट ऐसे ही है। 40,000 रुपये के पटाखे हम आज लेकर गए घर पर,
शाम को लक्ष्मी पूजन होगा हमारा और शॉपिंग वगैरह करनी है। और गाइज इस वीडियो को लाइक और फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखना ना भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और मैं शाम को आपको दिखाऊंगा ये पटाखे किस तरह छोड़े जाएंगे, इनके मज़े सब कुछ दिखाऊंगा आपको, सब ग्रीन रंग बिरंगे पटाखे हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में पूजन के साथ, लक्ष्मी पूजन के साथ। ठीक है गाइस, बाय।